अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां वोट बैंक बढ़ाने के लिए नेता अंत्योदय की बात करते हैं, लेकिन समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति आज भी ठगा जा रहा है। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के ककरेडी मनेहा में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन आज भी सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए यहाँ के अनुसूचित जनजाति गौड़ समाज के लोग वंचित हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे एक दर्जन लोगों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि स्थानीय विधायक से कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए आदिवासी नेताओं की जयंती मनाकर इनके हितैषी दिखाने का प्रयास करने वाले अपनी तिजोरी भर रहे हैं। आइए सुनते हैं स्थानीय लोगों ने अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर क्या जानकारी दी है। दूरबे मेरा नाम है। हम अपनी समस्याओं को लेकर के, क्या समस्या है? हमारे गांव में सर रोड नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और सही हमारे लड़कों बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं है सर। शासन बहुत खर्च किया, शासन ने जी 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 के नाम पर, क्या जी वास्तविक लाभ मिला किसी को? नहीं मिला सर, कोई लाभ नहीं मिला। किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, कहां कहां शिकायत की आप लोगों ने, कहीं लोकल स्तर पर जी किसी से? नहीं सर, हम लोग तो कई बार ज्ञापन भी दिए हैं, जैसे विधायक जी को दिए, जो भी मंत्री मिनिस्टर हैं उनको हमेशा देते रहे हैं सर, कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। और क्या करेंगे ज्ञापन देने के बाद, अगर नहीं होता तो? ज्ञापन देने के बाद सर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कितनी बस्ती है जो आप इससे प्रभावित है, जिनको सुविधा नहीं मिल सर? 45-50 घर हैं, हम लोग सिर्फ आदिवासी गोंड आदिवासी हैं, पूरे वंचित है। शासन कोई योजना का लाभ, कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा सर। एम्बुलेंस तक हमें सही समय पर उपलब्ध नहीं होती, बहुत ऐसी हमारे गाँव में घटनाएं भी हो जाती हैं, मृत्यु हो जाती हैं, डिलीवरी वहीं हो जाती है सर। एडवोकेट, ये मैनहा ककरेड़ी जो सिमरिया से लगा हुआ एक जंगल है, वहाँ एक मैनहा गांव है, वहाँ आदिवासियों की बस्ती है गोंड समाज की, और उनको न वहाँ तक जाने के लिए कोई रोड नहीं है। लगभग 3 किलोमीटर जंगल की पगडंडी से ये लोग जाते हैं, और मरीजों को चारपाई में भी लाना पड़ता है, चाहे गर्भवती महिला हो कोई हो। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, एक जल का सोता है जो प्राकृतिक रूप से है, उसी से ये लोग पानी पीते हैं, उसमें इंसान और जानवर साथ ही पानी पीते हैं। स्कूल में कोई संचालन नहीं होता, मास्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और वन विभाग ने इन लोग की भूमियों पर भी अवैध अतिक्रमण कर लिया है, जो ये बरसों से पुश्तैनी रह रहे हैं। और भी कई सारी समस्याएं, बिजली नहीं रहती है, टावर ये सब, ये सिर्फ कागजी विकास है। और आप अगर जाएंगे उस जंगल में देखेंगे तो स्वयं आपको समझ में आ जाएगा कि मैनहा में कितना विकास हुआ है। जिस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं, केवल हैंड पंप है, हमारी मांग है कि वहाँ के टंकी बनवा के और जल सप्लाई की जाए। स्थानीय नेता विधायक और कोई किसी से बात हुई? वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, उपेक्षित सा रखे हैं सब। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।